नेपाल में जो एक दुखद घटना घटी, एक हादसा घटा है हुआ है, तो उसमें 25 लोग, मतलब 27 कंडक्टर ड्राइवर और यूपी की बस थी, तो वहाँ के दो लोग और हमारे यहाँ भुसावल तहसील से, विधानसभा से लेकर जलगांव डिस्ट्रिक्ट से 25 लोग जिनकी डेथ उसमें हो गई है। आज उनके सब बॉडी जो है यहाँ पर लाई गई, उनके शव लाए गए हैं। भारत सरकार ने बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा कोऑपरेशन किया है, माननीय अमित भाई के ऑफिस से हो, पीएमओ ऑफिस से हो, मतलब इतना आसान नहीं था कि बाहर देश से, नेपाल से हम लोग इतनी बॉडी इतने जल्दी यहाँ आ सकती थी, लेकिन एयरफोर्स ने भी उनका फ्लाइट यहाँ पर दिया, हमारे लिए दिया। उसमें 25 की 25 बॉडी यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई है। मुझे लगता है 12-1 बजे तक रात के सबका फ्यूनरल हो जाएगा। वहाँ पर जैसे ही हमें इस मालूम जानकारी मिली, वैसे हमारे यहाँ से वहाँ के विधायक थे संजय सावकारे भुसावल से, वो उनके साथ अमोल जावड़े हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी के, हमारे नगर सेवक के 4-5 वो वहाँ के लिए निकल गए थे। हमारी मंत्री है रक्षा खड़से, वो भी वहाँ के लिए निकल गई थी और आज ही सुबह रात भर ट्रैवल करके वो लोग वहाँ पर पहुँचे। सब बॉडी उन्होंने हैंड ओवर की, मतलब जो वायुदल का विमान था, फ्लाइट था, उसमें उनको शिफ्ट किया और उसके बाद में वो खुद उसमें बैठकर यहाँ तक आए हैं। 16 लोग जो इंजर्ड है वो अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में है। वह हमारे 8-10 कार्यकर्ता जो है नगर सेवक है भुसावल के, जिलाध्यक्ष है बीजेपी के अमोल जावड़े, वो वहाँ पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनके जो भी ज़रूरत हो या जो भी काम हो उसके लिए हमने वहाँ पर उनको रखा है। मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद हम उनको मुंबई या फिर जलगांव शिफ्ट करेंगे।